नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आपके उस सभी कमेंट को लेकर जो आपके डाउट हैं। बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे कमेंट किए हुए हैं DLED से रिलेटेड और प्लस BPSC एग्जाम से रिलेटेड, तो उस डाउट को मैं क्लियर करूँगा। जहाँ तक होगा 5-6 टॉपिक मैं लेने वाला हूँ, इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो में जो बचे जाएंगे टॉपिक उसको मैं क्लियर करूंगा। तो इसी तरह अगर आप नए हैं प्लेटफॉर्म पे तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप DLED के स्टूडेंट हैं, नेक्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम देने वाले हैं, 4 सेमेस्टर जो भी सेमेस्टर का प्लस UPTET के देने वाले हैं, तो प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए और प्लेलिस्ट में आइए, आपको सभी क्लासेस बिल्कुल फ्री मिलेंगे। और बहुत ही जल्द जो बच्चे कह रहे हैं सर पिट की क्लास स्टार्ट कर दीजिए, तो पिट का मैं मैथ और कुछ क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा, प्लस टेस्ट सीरीज भी बहुत जल्दी स्टार्ट करूंगा आपके सामने, और हो सकता है 4-5 दिन में स्टार्ट हो जाए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। पहले इस मुद्दे पर बात करेंगे, प्रत्यावेदन वालों का पेपर कब तक होगा। जो मेरे प्रत्यावेदन वाले भाई बहन हैं, क्योंकि उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया कि भाई इनके एग्ज़ाम 2 महीने में ले लिए जाने चाहिए, है ना। लेकिन 2 महीने से अब ज़्यादा होने को आ गए हैं, लेकिन अभी तक इनके एग्ज़ाम के अता पता नहीं है। जो अभ्यर्थी यह बोल रहे थे कि सर 2 महीने में एग्ज़ाम हो जाएगा, कन्फर्म है, और जो यूट्यूबर भी बोल रहे थे, तो हम उसी समय बोले थे आपसे कि DLED यानी कि PNP एक ऐसी संस्थान है, वो अपना फ़ायदा सोचती है, वो जब भी कराएगी आपके एग्ज़ाम वो फ्रेश वाले बच्चों के साथ ही कराएगी नेक्स्ट सेमेस्टर में। यानी कि आपके एग्ज़ाम के अनुमान कब तक हमने लगाया था उसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख लीजिए, इसके जस्ट पहले वाला है ना। तो प्रत्यावेदन वाले भाई बहन का जो एग्ज़ाम होगा वह दिसंबर में 4 सेमेस्टर और सेकेंड वाले सेमेस्टर के साथ में ही होगा, ठीक है बच्चों। यानी दिसंबर के लास्ट वीक तक में भी चांस है, पॉसिबिलिटी बन रही है कि इनके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरी तरफ जो बच्चे यह बोल रहे हैं कि सर जो प्रत्यावेदन जिन्होंने जमा किया है 4th चांस के लिए, जो उनका स्टे लगाया गया था पिछली बार, उनका मार्कशीट और जिन्होंने जमा किया है उनका एग्ज़ाम होगा कि नहीं, कन्फर्म है या सर नहीं। तो भाई देखिए, पहले तो यह मैं बता देना चाहता हूँ, जिन बच्चों के मार्कशीट पर स्टे लगाया गया था पिछली बार जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, उनके जो मार्कशीट हैं वह वितरण होना शुरू हो जाएंगे जैसे ही इसका रिजल्ट आ जाएगा, इस बार वाला जो रिजल्ट आने वाला है। आप लोग को अगर थोड़ा भी डाउट है कि मेरा हो सकता है मार्कशीट मिलने लग गया हो, क्योंकि आप लोग का बैक नहीं होगा, क्लियर होगा, तो मे बी आप जाकर अपने जिले से संबंधित डाइट पे जाइए और वहाँ पर आपको एक पत्र मिलेगा, पत्र व्यवहार करिएगा और उनको जब जमा करेंगे अप्लीकेशन, तो आपको कुछ ही दिन में फिर से आपको जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको पूरा का पूरा कन्फर्मेशन हो जाएगा कि हाँ कब तक मिल जाएंगे। यह तो श्योर है, जब आपका मार्कशीट आएगा तो आपके कॉलेज पे ही आएगा जहाँ से आप DLED कर रहे हो, चाहे प्राइवेट संस्थान ही क्यों ना हो, ठीक है। डाइट वाले बच्चों को तो डाइट से मिलेगा, लेकिन जो बच्चे प्राइवेट संस्थान से कर रहे हैं उनको वहीं से मिलेगा। लेकिन आपका अगर आपको लगता है कि आपका जो रिजल्ट है मार्कशीट यानी विलंब हो रहा है, तो आप अप्लीकेशन लिख सकते हैं अपने संबंधित डाइट पर, अपने जिले के संबंधित डाइट पर, क्योंकि 2019 बैच के हर एक प्रशिक्षु का मार्कशीट PNP द्वारा यह बोला जा चुका है कि वितरण मतलब वो प्राप्त कर सकते हैं अपने डाइट से, ठीक है। तो आप भी ले सकते हैं, 2019 तक जितने बैच कंप्लीट हो गए हैं 2019 लेते हुए, जिन्होंने 2022 में जिनका रिजल्ट मतलब जिन्होंने जिनका कुछ लोगों का बैक था 2022 में क्लियर किया, तो उनको छोड़ के अब बाकी के सभी प्रशिक्षुओं का जो मार्कशीट है वह अपने संबंधित जिले के डाइट पर जाएं, अप्लीकेशन लिखें, उनको मिल सकता है, ठीक है। और जाहिर सी बात अपने कॉलेज से भी अगर जो संपर्क में हैं, थोड़े अच्छे नॉलेज रखते हैं, उनसे पता कर सकते हैं आपकी किस तरह से हमें लेटर लिखना है, क्या करना है, क्या कुछ करना है, क्योंकि बता सकते हैं अगर हैं संबंधित अच्छे तब, नहीं तो फिर अन्यथा वो तो मुंह ही मोड़ने वाले होते हैं, वो सब अच्छे टीचर्स नहीं होते हैं, बस पैसे के लिए फोर्स करते हैं, बाकी सब काम बाद में होगा, है ना। तीसरी बात, जो प्रत्यावेदन वाले मेरे भाई 4 चांस के लिए मार्कशीट था उनका स्टे वाला, उनकी बात तो हो गई, प्लस प्रत्यावेदन वालों भाई बहन का जो इस बार प्रत्यावेदन दिए हैं, क्या उनका एग्जाम होगा, श्योर है। मैं बता दिया था पहले ही इनकी एक नोटिस, मतलब यह साफ साफ हर बार वो कहते हैं कि मैं मैक्सिमम 2000 ही बच्चों का एग्जाम लूँगा, और बच्चे कितने प्रत्यावेदन देते हैं, लगभग 10,000। इसमें एक याची बनने की घटना थी, अगर जो बच्चे याची बने हैं उनका कन्फर्म है कि एग्जाम होना श्योर है, है ना। अब ऐसा नहीं कि 2000 से ज़्यादा बच्चे याची बन जाएं तो उनका एग्ज़ाम हो ही जाएगा, ये अभी सही नहीं है, हाँ। लेकिन जितने याची बने, लगभग 400 से 300 500 के आसपास याची बने हुए हैं, तो उनका एग्ज़ाम तो श्योर है, होने वाला है प्रत्यावेदन वाले में, है ना। और लेकिन जो याची नहीं भी बने हैं, मतलब 2000 का ये एग्ज़ाम कराएंगे, 10,000 का प्रत्यावेदन आते हैं उनमें से, एक तरह से कह लीजिए लकी ड्रा है, एक बकेट में डालकर आपको ऐसे हिलाकर उसमें से निकाला जाएगा जितने बच्चों का एग्ज़ाम होगा, मतलब जितने मुट्ठी में आएंगे प्रत्यावेदन उनका एग्जाम करा लिया जाएगा, ऐसे होता है। या फिर आप उनके ऊपर दबाव जितनी बार बनाते हो, उनके निगाह में चढ़ जाते हो, तो आपका एग्जाम कन्फर्म हो जाता है। इस वजह से हम कहते हैं प्रत्यावेदन 2 से 3 बार दिया जाना चाहिए,
हिस्से की दबाव बना रहे। और रह गई बात प्रत्यावेदन कब तक आप जमा कर सकते हैं, इनका कोई सीमा नहीं है बच्चों। जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक आप जाते रहिए, प्रत्यावेदन जमा करिए, इसका कोई तय सीमा लिमिट नहीं कि हाँ टाइम है कि इसके बाद नहीं जा सकते। हाँ, लेकिन जब एग्जाम श्योर हो जाए कि इस डेट से होने वाला है तो प्रत्यावेदन शायद ये लोग नहीं लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एडमिट कार्ड वगैरह डिजाइन करना स्टार्ट कर देते हैं तो प्रोसेस खत्म हो जाता है। अब जाकर भी क्या करोगे जब आपका एडमिट कार्ड ही नहीं बनेगा तो, है ना। और दूसरी तरफ यह है बच्चों कि जो बच्चे एक तरह से मार्कशीट जिनका नहीं मिला है तो इस बीपीएससी वाले में वो बच्चे वेरिफिकेशन के लिए क्या देंगे वहाँ पे अगर मांगा जाएगा तो, क्योंकि 15 से या 20 से उनका वेरिफिकेशन के लिए डेट आया हुआ है तो क्या देंगे, तो मैं बता देना चाहता हूँ प्रशिक्षु वहाँ पे आपको मौका देंगे। क्योंकि आपको पता है कि पहली बात है बीपीएससी जो एग्ज़ाम ली है इनके अध्यक्ष डीएलएड से रिलेटेड ही सारी संरचनाएँ पूरी कंप्लीट करेंगे। अगर ये कंप्लीट करते हैं तो आपको ये चांस देंगे कि हाँ भाई 6 महीने में 1 साल में आप अपना मार्कशीट लेकर आइए। अब जब यह पत्र आप लिखित हुआ लेकर जाएंगे उनके पास कि मेरा सिलेक्शन हो गया मुझे मार्कशीट दीजिए अपने डाइट पर, तो आपके डाइट तनिक भी विलंब नहीं करेगा, आपका तुरंत का तुरंत मार्कशीट रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो गया रहेगा ना, उनको देना ही देना है, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो विलंब करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो बच्चे ये कमेंट किए थे कि जो हाँ एक बात और है कि कितने अभ्यर्थियों ने बीपीएससी में एग्जाम छोड़ा है, तो मैं बता देना चाहता हूँ लगभग 2 लाख बच्चों ने एग्जाम बीपीएससी का स्किप कर दिया है, छोड़ दिया है, यानी क्विट कर दिया है, नहीं दिया है पेपर, ठीक है, ये बातें होंगी। और बेटा और क्या था आपका, 2022 बैच शामिल होगा कि नहीं शिक्षक भर्ती में। देखिए जो बच्चे यह पूछ रहे हैं कि शिक्षक भर्ती में 2022 बैच शामिल होगा या नहीं होगा, तो मैं बता देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश में तो अभी भर्ती आ ही नहीं रही है, अभी दूर दूर तक कोई खबर नहीं है। जहाँ तक उम्मीद यह लगाया जा रहा है अगर इस बार चुनाव तक नहीं आया, और पूरा चांस हमने एक वीडियो बनाया था इसके पहले, आप देख लेंगे कि क्या क्या कारण है जिस वजह से भर्ती नहीं आ रही है और कितना विलंब होगा, है ना, तो भर्ती नहीं आने का वजह आप देख लीजिएगा। अब इस वीडियो में हम बता देते हैं कि कितने बैच शामिल होंगे, तो भर्ती अभी तो आ नहीं रही है, अगर चुनाव हो गया तो जाहिर सी बात है आप फोर्स करते करते लोट पोट हो जाओ, सो जाओ, कुछ भी कर लो, आपका चाहे जो हो जाए लेकिन इनके आंख पर इनके मस्तक पे जू नहीं रेंगने वाला है, है ना, कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि यह रोजगार के नाम पे बिल्कुल जीरो हैं, है ना, और सारे मामले हैं जिसको मुद्दे को ये उठाते रहते हैं, लेकिन रोजगार के मामले पे उत्तर प्रदेश की विशेषता अगर हम बात करें, पूरे केंद्र की ही देख लेते हैं, केंद्र में रेलवे वगैरह की भर्ती देख ही सकते हैं आप, लेकिन केवल अगर विशेषता में इसकी बात करूँ उत्तर प्रदेश का, तो रोजगार के नाम पर जीरो है का शिक्षा जगत को लेकर कहर अगर देखा जाए तो, 5 साल से भर्ती नहीं आई है, बच्चे परेशान हैं। अब अगर इस बार नहीं आया, पूरी चांस है कि नहीं आने वाला है, पूरा का पूरा या प्रावधान हो चुका है भाई अब नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे मामले हैं जो कि प्रस्तावित हैं और उलझते हुए जा रहे हैं चीज़ें, बीएड बीटीसी के बाद वाले मामले, है ना, तो इस वजह से जो अनुमान लगाया जा रहा है अगर इस बार नहीं आया तो 2027 का जो चुनाव होगा ना सीएम का, विधानसभा का, उसके जस्ट पहले या 2025-26 तक आने की संभावनाएं बनेंगी, समझ रहे हैं ना। इस हमारे बात से थोड़े से बच्चे आहत होंगे, लेकिन मैं कोई वैज्ञानिक या फिर कोई साइंटिस्ट या फिर कोई वह नहीं हूं कि भाई मैंने एक तरह से कर दिया भविष्यवाणी, तो नहीं आएगा, आ भी सकता है, मैं तो यही कहता हूं कि भविष्यवाणी झूठी हो जाए, है ना, और भर्ती आपको देखने को मिल जाए, जिससे कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो रोग आ रहे हैं, भावनाओं से दुखित हैं, मन से दुखित हैं, उनके परिवार वाले फैमिली वाले ग्रसित हैं किसी कारणवश कि बच्चों को पढ़ाया कैसे कैसे, इसके बाद भर्ती नहीं आ रही, बच्चे परेशान हैं, तो उनको सुखद अनुभव प्रतीत हो, मिले, महसूस हो, तो मैं यही आशा करूंगा प्रभु से कि भर्ती जल्द से जल्द आ जाए। लेकिन हमारे आशा से तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता ना, जब भी करेगी तो सरकार ही करेगी। खैर आप लोग वेट करिए और तैयारी करिए, और अगली बात जो भी कमेंट मतलब मन में डाउट हो उसको कमेंट करिए, उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा, आपके समक्ष लाने का भरपूर प्रयास करूंगा। और रहेगी बात पेट के क्लासेस मैं स्टार्ट करने वाला हूं बच्चों, आप लोग की सहमति अगर हो तो कमेंट जरूर करिएगा, टेस्ट स्टार्ट करूँ या फिर 2-3 क्लासेस लगा दूँ कोई मैथ का जैसे और जीके का, ठीक है, धन्यवाद।